तो शहरी विकास की चमकती तस्वीर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे, और इसी पर हम चर्चा करेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया से। प्रदेश की भूपेश सरकार के विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका असर प्रदेश के कोने कोने में दिख रहा है। प्रदेश के शहरी इलाकों में भी योजनाएं प्रभावशाली रूप से संचालित हो रही है। इन योजनाओं में मुख्य रूप से शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, मुख्यमंत्री मितान योजना, जल जीवन मिशन योजना शामिल है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी इलाकों में भी विकास की धारा तेजी से बहती दिखाई दे रही है। यूं कहें, अब पूरा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद ही भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास का जो संकल्प लिया, आज उसका असर प्रदेश के हर अंचल में स्पष्ट देखा जा सकता है। विकास की इस धारा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अपनी प्रभावशाली छाप छोड़ी है। प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकार के कामों का ही असर है कि अब आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ रोजाना के कामों में हो रही तकलीफों से भी छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। शहरों में संचालित हो रही प्रमुख योजनाओं का जिक्र करें तब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से स्लम बस्तियों के लोगों का इलाज उनके घरों पर ही किया जा रहा है। इस वजह से लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटने से छुटकारा मिल चुका है। इस योजना से अब तक 31 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल ने स्लम बस्तियों में पहुंचकर किया, तो वहीं 6,74,000 से ज्यादा मरीजों को पैथोलॉजी टेस्ट का भी लाभ मिला है। साथ ही 26,10,000 मरीजों को निशुल्क दवाई दी गई है। स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण और दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट से पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने गरीब जनता को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की, जिसने प्रदेश की गरीब जनता को एक बड़ा संबल प्रदान किया। इस योजना के तहत अब आम लोगों के लिए 50 से 71% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश का गरीब व्यक्ति भी अब पहले महंगी मानी जाने वाली दवाइयों को खरीद कर इलाज कराने में सक्षम हो पाया। इस योजना के तहत 169 नगरीय निकायों में करीब 188 जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए। इन मेडिकल स्टोर से 251 प्रकार की जेनेरिक दवाएं और 27 प्रकार के सर्जिकल उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। तो मैंने कहा रायपुर के 2-3 स्कूल उस प्रकार से शुरुआत करें, और जब उसकी शुरुआत हुई तो उसमें सफलता मिली, और सफलता मिली तो फिर हमने विधायक लोग बोले कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। फिर उसके बाद 52 स्कूल खोले, पूरे प्रदेश हर ब्लॉक में हो गया है। तो इसमें गरीब घर के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि उस खर्चे को वहन कर सकें, तो हमने फिर इसको निःशुल्क व्यवस्था की। 765 रुपए का दवाई 165 रुपए में मैं खरीद करा, धन्यवाद भगवान। भूपेश सरकार की योजनाओं का ही असर है कि लोगों को
अवार्ड अपने नाम किए हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में करप्शन बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि पूरे पेपर जो भी है वो गरीब आदमी के आम आदमी के पास पहुंच रहा है। तो भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के दुलरुआ मुख्यमंत्री जिन योजना निकाले हैं वो योजना बहुत सराहनीय है। ओखर से एक आम जनता ला बहुत लाभ मिला थे। घर घर जाके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, निवासी जाति ये ना बहुत आसानी से बना थे। ये ऑनलाइन योजना तो बहुत ही अच्छी और पहल बहुत अच्छी है, इसकी सराहना होनी चाहिए। अगर वास्तव में जैसे दावा किया जा रहा है 24 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट मिलेंगे तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। भूपेश सरकार न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल समेत अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं समेत उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बेहतर काम कर रही है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को इन योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। इसके लिए प्रदेश के मुखिया खुद लोगों के बीच जाकर इस बात की तस्दीक कर रही है। जाहिर है अब योजनाओं को लेकर प्रदेश का मुखिया ही इतना संवेदनशील है, तब भला योजनाओं से नागरिकों की दूरी बना देने की किसकी हिमाकत। यही वजह है कि प्रदेश के किसी भी तबके को उनकी मूलभूत सुविधाओं और उनके अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ रहा है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में शहरी विकास की चमकती तस्वीर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्री कुमार डहरिया जी हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से हैं, और वहीं संजय उपाध्याय संपादक छत्तीसगढ़ से हैं, और राम अवतार तिवारी जी भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सवाल जो है मंत्री जी आपसे है कि जो शहरी विकास की चमकती तस्वीर है बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। डहरिया जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे है। जी आवाज कट कट के आ रही है आपकी। जी कोशिश करते हैं कि आवाज आप तक अच्छे से पहुंचे। जी प्रदेश की भूपेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती के लिए बड़े कार्य किए हैं, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए भी बड़े कार्य किए हैं। जी निश्चित रूप से हमारी सरकार ने नया सरकार बनने के बाद भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम शहरी क्षेत्रों में किया है। पिछले 15 साल में नगरीय निकाय में जिस तरह से काम होते थे, जो कर्मचारी हैं उनको 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिला करती थी और न सफाई की उचित व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री आवास या अन्य जो योजनाएं थी उनका कहीं कोई ओर छोर नहीं था, सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई काम नहीं होता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे नगरीय निकाय में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो बेहतर काम किया उसका बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने शहरों में जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उनके लिए शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया, जिसमें गरीब बस्ती में जाकर लोगों की मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, उनके 42 प्रकार से ज्यादा पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है, उनको दवाइयां मुफ्त दी जा रही है। उसी तरह महिलाओं के लिए हम लोगों ने दाई दीदी क्लिनिक प्रारंभ किया, जिसमें सिर्फ महिला MBBS डॉक्टर से लेकर पैथोलॉजिस्ट, नर्सेस और फार्माकोलॉजिस्ट सारे लोग उपलब्ध हैं और उनको दवाइयां मुफ्त दी जाती है, महिलाओं का जी इलाज उसमें किया जाता है। हमारे धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें 60-70% कम दर पर गरीब लोगों को दवाइयां उपलब्ध की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए जी, वो मूलभूत सुविधा हम लोगों ने गुणवत्ता पर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। जो सफाई है, सड़क, पानी, बिजली, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है। सफाई के मामले में हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अनिवार्य रूप से किया और इसके लिए स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 3 साल तक हमारी राज्य को
पहला पुरस्कार पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार हमको प्राप्त हुआ। ओडीए प्लस में हम पूरे देश में पहले नंबर में हैं और प्रधानमंत्री आवास में जो अच्छा गुणवत्ता का निर्माण होता है उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने हमको पहले नंबर का पुरस्कार राज्य को दिया है। इसके अलावा हमारी जो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय है उसमें वार्ड स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत हमारे शहर में रहने वाले लोगों को महिलाओं को किस तरह से रोजगार उपलब्ध हो उसके लिए काम किए जा रहे हैं। स्व सहायता समूह के बहनों को लाभान्वित करने का काम सरकार कर रही है जिससे रोजगार जनरेट हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। पौनी पसारी बाजार हम लोगों ने प्रारंभ किया जिसमें विभिन्न किस्म के ट्रेडिशनल मार्केट जो होते हैं वो सारे उसमें लोगों को 10 रुपया पे प्रतिदिन के हिसाब से हम उपलब्ध कराते हैं। बाजार उपलब्ध हो रहा है, लोगों को उसका सीधा लाभ आम जनों को हो रहा है। और हमने मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की है, इसमें हमारा मितान आप एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1-45-45 उसमें आप कॉल कीजिए, हमारा मितान आपकी बातों को सुनेगा और आपके घर में आके प्रमाण पत्र इकट्ठा करेगा और सारे प्रमाण पत्र बनाकर घर में उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह के जो पैरामीटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नगरीय निकाय में प्रारंभ करवाया है निश्चित रूप से उसका लाभ शहरी क्षेत्र में लोग रहने वाले लोगों को सीधे स्तर पे मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ये सराहनीय प्रयास हमारी सरकार का है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई धन्यवाद देता हूं कि वो उन्होंने इस तरह के निर्देश देकर हमारे नगरीय निकाय रहने वाले लोगों को उनके कामों को आसान किया है। जी बिल्कुल मंत्री जी, दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना ने स्लम बस्तियों के लिए कितना कारगर मानते हैं, क्योंकि अब लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ता है बल्कि अब अस्पताल जो है खुद चलकर उन तक पहुंच रहा है। हाँ, आपने देखा होगा हमारे पहले हम लोगों ने इसको नगर निगम क्षेत्र में प्रारंभ किया था और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला, तो अब इसको हमारे जो 170 नगरी निकाय हैं उन सभी जगहों में प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इसका लाभ हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों को मिल रहा है और स्लम बस्ती के लोगों को जो अपने काम के बाद अपना इलाज नहीं करा पाते थे वो उनको मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध की जा रही है। कुपोषण की समस्या थी वो भी दूर हो रही है। इसका आम लोगों को जो लाभ मिल रहा है निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में जो ये काम हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, गरीब लोगों को जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है और उसका लाभ हमारे स्लम एरिया में रहने वाले मजदूर लोगों को और आम लोगों को हो रहा है। बिल्कुल संजय जी, आप अगला सवाल मंत्री जी से कर सकते हैं। हाँ जी मंत्री जी, आप जी नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार सर, ये मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जेनरिक दवाइयों की चर्चा पहले भी काफी हुआ करती थी लेकिन उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं एक बड़ा मानक था, एक बड़ा विषय था, तो ये आपने फैसला कैसे लिया, सरकार ने फैसला कैसे लिया कि अब जेनरिक दवाइयां जो हैं वो बाजार में लानी हैं और गुणवत्ता युक्त जेनरिक दवाइयां लानी हैं। आखिर हम भी देख रहे हैं, हम फील्ड में भी जाते हैं, देख रहे हैं कि लोगों को इससे कितना फायदा मिल रहा है। हजारों की जो दवाइयां थी कुछ 100 में ही मिल जा रही हैं, जैसा कि हमने अपने अपनी स्टोरी में भी दिखाया है इस बात को। तो क्या विचार ये कैसे आया आपके मन में कि आप लोगों के मन में कि ऐसी भी योजना एक लाई जाए और आगे इसके विस्तार की क्या योजना है? देख निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि लोगों को इलाज के लिए अगर हम जाते हैं या डायग्नोस्टिक होता है तो उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है और गरीब लोग जो महंगी दवाइयां मेडिकल स्टोर में मिलती थी वो खरीद नहीं पाते थे और उनका इलाज नहीं हो पाता था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये जेनरिक मेडिकल स्टोर हम लोगों ने प्रारंभ किया, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया जिसमें ब्रांडेड कंपनियां की अच्छी दवाइयां
कम दर पर मिले, जो कंपनियां जो बनाती है उसी रेट पे लोगों को मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और उसके अनुरूप हम लोगों ने काम प्रारंभ किया और आप देख रहे हैं इसका लाभ हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को सीधे मिल रहा है। और गरीब लोगों को इसका लाभ हो रहा है, 1000 की दवाइयां आप 400 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये की दवाई है 30 रुपये से लेकर 40 रुपये में मिल रही है, जिसका लाभ आम लोगों को हो रहा है। आप जैसे जो दवाइयां हम मार्केट में खरीदते हैं, अगर हमको बुखार है हमको एंटीपायरेटिक दवाई लेना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लेना है या एंटी एलर्जिक दवाई लेना है, तो वही दवाई मार्केट में 100 रुपये में आती है और हमारे यहाँ 30 से 40 रुपये में मिल जाती है और गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं होती। हमारी ब्रांडेड कंपनियां की दवाइयां हम उसी रेट में दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आम लोगों को हो रहा है और जो लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते थे दवाइयों के कारण, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा लाभ आम लोगों को हो रहा है। अब सरकारी अस्पताल भी हमारे यहाँ से दवाइयां खरीद रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आकर हमारे शहरों में जो हमारे धनवंतरी मेडिकल स्टोर से वहां खरीद रहे हैं, तो इसका लाभ हमारे शहरी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है और जो अस्पताल में इलाज कराने आते हैं उनको भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चलाए जा रहे हैं। मंत्री जी, इसके विस्तार की कोई योजना आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे पूरे नगरी क्षेत्र जो हमारे 170 नगरी निकाय हैं, 14 नगर निगम है, 43 नगर पालिकाएं हैं और 113 हमारे नगर पंचायत हैं, इन सारे जगहों में हम प्रारंभ कर दिए हैं, पूरे जगहों में इसका विस्तार किया जा चुका है। अगर और जरूरत शहरों में होगी तो मांग के अनुसार पे इनका विस्तार और भी किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, राम अवतार जी। राम जी, इस योजना के प्रति लोगों को का कैसा रुझान देखते हैं, क्या इसके विस्तार की भी कोई योजना है? देखिए, शहरी क्षेत्र में सतत विकास की जरूरत है। जो गांव तेजी से शहरों की तरफ जा रहे हैं तो शहर एक चुनौतियां भी बन रही है और सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो शहर का विकास तो हो रहा है, शहर जैसा विकास अगर गांव में हो तो पलायन तो कम हो सकते हैं। इस समय एक बड़ी चुनौती जो राज्य सरकार के सामने रहेगी कि स्मार्ट सिटी योजना बंद की जा रही है, उसके फंडिंग देने पर केंद्र सरकार इंकार कर रहा है, इस संबंध में मंत्री जी का क्या रुख है, मैं जानना चाहूंगा। जी मंत्री जी, क्या रुख है आपका? वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, राम जी। नमस्कार 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 तिवारी जी। केंद्र की सरकार जो है, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो केंद्रांश राशि मिलनी चाहिए वो राशियां मिलनी धीरे धीरे बंद हो गई है। हमारे स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं थी उनके तहत शहरों के विकास के जो काम लिए जाने थे वो हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम अच्छा से अच्छा कर सके, लेकिन केंद्र की सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो राशि आनी चाहिए थी वो राशि बंद कर दिए। हमारी राज्य सरकार ने अपना मैचिंग ग्रांट होता है वो हमने दे दिया है, हमारे बजट में उसका प्रावधान किया है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र की सरकार शहरी क्षेत्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे रही है, अपने हिस्से की राशि केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, जिसे शहरी क्षेत्रों को जो लाभ मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, सड़क का, पानी का, बिजली का, सफाई का, ये हम गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसको और बेहतर किस तरह से हो इसको हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने 24/7 पेयजल उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार अब कर रही है और जिन
नगरों में पेयजल की दिक्कतें थी, उन सारे जगहों के लिए हमने जलवर्धन योजनाएं स्वीकृत की है। रायपुर में भी चल रहा है, पूरे हमारे जितने 14 नगर निगम है उनमें और हमारे नगर पालिकाओं में नगर पंचायतों के लिए योजनाएं बन रही है, अधिकांश जगह पूरी भी हो गई है और जो बाकी बचे हैं 2023 तक उन सभी जगहों नल के माध्यम से टैप वाटर के माध्यम से पेयजल हम उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सफाई के क्षेत्र में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश में लगातार हम तीन साल तक प्रथम आए हैं, ओडीए प्लस प्लस में भी हम पूरे देश में पहले नंबर में हैं, प्रधानमंत्री आवास के जो निर्माण होते हैं उसमें सबसे अच्छा गुणवत्ता का पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य को दिया है। हमारे राज्य के अधिकारीगण और हमारे महापौर लोगों को हम लोगों ने ले जाके प्रधानमंत्री जी को मिलाया भी था, उन्होंने हमारे राज्य के काम को सराहा भी है। उसके अलावा हम लोग जो और भी पैरामीटर होते हैं मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत जिनका मकान है शहरी क्षेत्रों में छोटे जमीन है उनको हम मकान बनाकर देने का काम भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम शहरी क्षेत्र में लोगों को हो रहा है। रोजगार के अवसर भी हम NULM के माध्यम से शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, राज्य की सरकार उसमें अपनी पूरी राशि लगा के लोगों को संसाधन लगा के काम कर रही है। महिला स्व सहायता समूहों को हम रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं जिससे, और उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको उनके उत्पादों को खरीदने के लिए प्रत्येक जिले में सी मार्ट का शुभारंभ भी किया है। आपने देखा होगा कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं जो सामान बनाती हैं उनको बाजार उपलब्ध करा के उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास जो होना चाहिए, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो करना था वो उन्होंने नहीं किया, हमारी सरकार ने लगभग 4.25 साल के कार्यकाल में उससे ज्यादा बेहतर काम हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में हम इन व्यवस्थाओं को इन सुविधाओं को और बेहतर किस तरह से हो इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल मंत्री जी, नगरीय निकायों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि नगरीय निकायों की स्थितियां खराब होने के कारण जिस गति से विकास होना चाहिए जनता की जो अपेक्षा है उस गति से नहीं होने के चर्चाएं रहती हैं, आरोप लगते रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या मापदंड पा रहे हैं कि राज्य सरकार के जो राशि है उस पर निर्भर है, केंद्र सरकार के राशि पर निर्भर है, स्वयं जो नगरीय निकाय इलाके हैं वो कैसे विकसित होंगे और कैसे आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात बहुत अच्छी है और ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह की व्यवस्था को खराब किया गया, बिगाड़ दिया गया, उसको बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारे प्रत्येक 3 महीने में हम नगरीय निकायों की बैठक लेते हैं और उनका सुझाव लेकर जो अच्छा काम होता है वो करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा है कि स्थापना व्यय जो है वो 65% से ज्यादा ना रखें और पिछले सरकार में हमारे जो कर्मचारी होते हैं सफाई कर्मी हैं या अन्य जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 8-8 महीने 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अब हमने निश्चित किया है कि प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों का उनका वेतन और मानदेय मिल जाना चाहिए जो अब मिल रहा है, और शहरी क्षेत्रों में उनको स्वयं के संसाधन से निकायों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और उसका निश्चित रूप से उस दिशा में निकाय भी काम कर रही है और उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। बहुत सारे निकाय जो है गौठान है उसमें महिला स्व सहायता समूह की बहनों को अवसर दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, बाड़ी का काम भी हो रहा है, तो उससे उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम निकायों को स्वतंत्र करेंगे ताकि वो अपने साधन से अपने निकाय के खर्चों का काम कर सके और सरकार निश्चित रूप से उनको हर तरह की मदद करती है।
जी, लेकिन पिछले समय जो 15 साल से जो व्यवस्था बिगाड़ के रखी है उसको बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं हम बेहतर कर रहे हैं। जी बिल्कुल मंत्री जी, स्वामी आत्मानंद स्कूलों ने प्रदेश को शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अब आम जन गरीब वर्ग के बच्चे भी निजी स्कूलों जैसे वातावरण में निशुल्क गुणवत्ता जो युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इससे लेकर आगे क्या आपकी योजना है? देखिए, हमारी सरकार ने, सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जिस तरह से काम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में किया है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। आज लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चल रहा है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को जाता है। और आपने देखा होगा कि शहरों में जो हमारे स्कूल है वो बेहतर बनाए गए हैं, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे शिक्षकों की जो अच्छे शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, ताकि हमारे गरीब लोगों को मुफ्त में शिक्षा का लाभ मिल सके। प्राइवेट स्कूलों में वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने जाते थे, उनको बहुत पैसे लगते थे, अब मुफ्त में उनको पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है, गणवेश उपलब्ध कराए जा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उनको मिल रही है। जिन स्कूलों में आपने देखा होगा कि रायपुर के जो स्कूल है, शहीद स्मारक स्कूल है, वहां पे 40-50 बच्चे विद्या अध्ययन करने आते थे, आज वहां पे 1100-1200 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये एक गरीब लोगों को शिक्षा के माध्यम से आगे लाने का प्रयास जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय काम है। और शहरों के अलावा हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको आगे ले जाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में 2 से लेकर 3, 5, 10 इस तरह के स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो काम आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार कर रही है। शिक्षा का मॉडल आज पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में उनका नाम लिया जा रहा है। संजय जी, आप सवाल कर सकते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, आप जैसा कह रहे हैं, आप हालांकि इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ये जानना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री मितान योजना है, जैसे तुहर सरकार तुहर द्वार एक योजना है उसका लाभ सीधे लोगों को मिल रहा है, वैसे मुख्यमंत्री मितान योजना है, इसमें भी जो लोग हैं, पहले देखिए बड़ी समस्या होती थी छोटी छोटी चीजों के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लोगों को चक्कर काटना पड़ता था कार्यालयों के, दफ्तरों के, सरकारी कर्मचारियों के। लेकिन अब ये सब सारी चीजें बिल्कुल जादुई हो गई हैं कि आप दस्तावेज दीजिए और दस्तावेज देने के बाद, सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र आपके घर पर होगा। तो ये सारी चीजें, जटिल प्रक्रियाएं सरल कर दी जाएं, इसका इस तरीके से सरलीकरण हो, लोगों का समय बचे, धन बचे और लोगों की परेशानियां घटे, तो ये सारी जो ये सारे विचार हैं, ये कैसे आते चले गए कि ये सारी चीजें जुड़ती चली जाएं? देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम जो लोगों की जो प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रियाओं को हम सरल करेंगे, उनको उसी तारतम्य में मैं हमारे शहरी क्षेत्रों में अभी नगर निगमों में ये योजना हम लोगों ने चालू किया है। एक कॉल सेंटर हम लोगों ने बनाया जिसमें हम लोगों ने एक नंबर दिया 1-45-45, इस नंबर पे आप फोन कीजिए, हमारा मितान जो है उस कॉल को अटेंड करेगा और आपको जो प्रमाण पत्र बनाना है उसकी जानकारी दीजिए और आपके घर का एड्रेस लेकर हमारा मितान खुद आपके पास आएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके राशन कार्ड, जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं उन सबको, आपके प्रमाण पत्र लेकर कार्यालयों में जाकर आपको वापस बनाकर आपके घर में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोगों का जो खर्च होता था सरकारी कार्यालयों में जाने पे वो बचेगा और उनका श्रम भी बच रहा है और ऑफिसों के जो चक्कर लगाने पड़ते थे वो सुलभ रूप से उनके घर में उनको जो लाभ पहुंचाकर सुविधा दे रहे हैं, इसका लाभ सीधे आम लोगों को मिल रहा है। एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है और आम लोगों को
जो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने प्रारंभ किया है। बिल्कुल मंत्री जी, यदि स्वच्छता मिशन की बात करें तो स्वच्छता मिशन में पूरे देश मंत्री जी एक और सवाल जी, क्योंकि इस सवाल से अब हम मतलब ये अंतिम सवाल होगा मंत्री जी भाई कार्यक्रम का जी, ये सवाल है कि जो शहरी विकास की ये तमाम योजनाएं हैं, आपने जिनकी चर्चा की, हमने जिनकी चर्चा की, आपने भी एक एक योजनाएं गिनाई विस्तार से, तो आगे और ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी योजना है जो कि आप शहरी क्षेत्रों में पहले लाना चाहते हैं एक पायलट प्रोजेक्ट या फिर कहें कि शुरुआती योजना के रूप में, जिसकी रूपरेखा भी तैयार हो रही है या फिर होने वाली है, जो आम जनता या फिर नागरिकों के हितों से सीधे जुड़ी हो, ऐसी कोई योजना जो आने वाली है? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगरीय निकायों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। लोगों को 8-8 महीने वेतन नहीं मिलते थे तो वो सफाई, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इसके बारे में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अब हमारा नगरीय निकाय का मुख्य उद्देश्य है कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलती है वो गुणवत्तापूर्ण मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार आए, रोजगार का अवसर उनको किस तरह से उपलब्ध हो, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास की समस्या का निदान हो, तो इन क्षेत्रों में हम और बेहतर किस तरह से हो वो काम हम लोग करके दिखाएंगे और इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने का काम हम करेंगे। निश्चित रूप से जैसे सफाई की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था के हमने बेहतर किया, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है उसको हमने अनिवार्य किया, जो शहरों में जो पेयजल की व्यवस्था थी, जो नालों का पानी जो सीधे तालाबों में जाता था उनको बंद करके एसटीपी बनाने का काम किया, उनके साफ करके उनको तालाबों में भेज रहे हैं या नदी में भेज रहे हैं, तो इस तरह के जो एनजीटी के जो निर्देश है उन निर्देशों का और हम कड़ाई से पालन कर सके, पर्यावरण हमारे जो है उनको और किस तरह से बेहतर बना सके, लोगों के पानी किस तरह से मिले 24/7, लोगों के नालियों की सफाई नियमित हो, सड़कें किस तरह से बने, विद्युत व्यवस्था, लाइट हर गली में किस तरह से चमके, और लोगों को स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार किस तरह से मिले, स्वास्थ्य के जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है उसको और किस तरह से बेहतर बनाए, हमारे धनवंतरी मेडिकल स्टोर हमने प्रारंभ किया है वो और किस तरह से बेहतर हो, वार्ड के लोगों को वार्ड के अंदर ही उनके कार्यों का निराकरण हो, नगर निगम कार्यालय ना जाना पड़े, इस तरह से जो बहुत सारे काम है उनको और बेहतर करेंगे। पहले हम जो नक्शे पास कराने होते थे उसके लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब हमारी सरकार ने नया निर्णय लिया है कि जो शहरी क्षेत्रों में नक्शे हैं, नक्शे पास होने हैं, 5000 स्क्वायर फीट के नक्शे जो हैं वो हम ऑनलाइन पास करते हैं, हमारा जो इंजीनियर होता है वो सारे प्रमाण पत्रों को इकट्ठा करके आप पोर्टल में अपलोड कर देगा और सारे प्रमाण पत्र ठीक है तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको नक्शे पास हो जा रहे हैं, उसका फीस भी हम नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया नक्शा पास करने का फीस ले रहे हैं, तो ये जो शहरी क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हम बेहतर बनाने का काम करेंगे। और जो पहले लोग 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अनियमित निर्माण जो होता था, अवैध कॉलोनियां जो बनती थी, उनको नियमितीकरण के निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और बहुत कम दर पर उनको नियमितीकरण का काम भी हम कर रहे हैं, अनियमित जो विकास हुआ है उसको भी ठीक करने का काम हम लोगों ने किया है। 15 साल सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इन कामों को करती तो निश्चित रूप से लोगों का विकास होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन सब सारे कामों को हम लोग बेहतर तरीके से करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में सफाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो शहरों में, इन सब चीजों को हम और बेहतर बनाने का काम करेंगे। और हम अन्य प्रदेश जो है, जो विकसित प्रदेश है या विकसित देश है, उन देशों में और प्रदेशों में जो
व्यवस्थाएं नगर निकायों में देते हैं उनसे ज्यादा बेहतर अच्छा काम करके हम छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, आप जो छोटे और मझोले शहर है उसका मास्टर प्लान लाने वाले थे, उस दिशा में क्या क्या प्रक्रिया है, कब तक पूरा होने वाला है उसका? देखिए, ये हमारे आवास पर्यावरण विभाग इसमें काम कर रहा है और हमारे नगरीय निकाय में भी इन क्षेत्रों में अच्छा काम हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो व्यवस्थित विकास होना चाहिए शहरों का, उस दिशा में मास्टर प्लान की जरूरत होती है, लेकिन पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना कोई मास्टर प्लान लाया ना कोई व्यवस्थित विकास की योजनाएं लाई, इसलिए जो अव्यवस्थित विकास हुआ है उनको व्यवस्थित विकास करने का काम और उनको नियमितीकरण करके लोगों को सरकारी नियमों के आधार पे अच्छा काम हो और लोगों को उसकी सुविधाएं अच्छी मिले, लोगों के लिए जो अलग अलग काम होते हैं, शिक्षा का क्षेत्र अलग हो, व्यापार का क्षेत्र अलग हो, व्यवसाय का क्षेत्र अलग हो, बाजार का क्षेत्र अलग हो और अन्य क्षेत्रों के जो काम होते हैं, ग्रीन क्षेत्र अलग हो, तो आमोद प्रमोद का क्षेत्र अलग हो, तो इसके दिशा में हम लोग पर्यावरण आवास पर्यावरण विभाग से मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा तो उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मंत्री जी, यदि स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता मिशन ने पूरे देश में छत्तीसगढ़ का डंका बजा है, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने भी ढेरों अवार्ड बटोरे, यह कैसे हो पाया और इससे और भी बेहतर करने की क्या योजना है आपके पास? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि स्वच्छता के क्षेत्र में जो हम लोग काम किए हैं वो पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है। हम लोगों ने पहले जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने इस बात की समीक्षा की कि स्वास्थ्य के सफाई का क्षेत्र या हमारे नगर निकाय जो मूलभूत सुविधाएं मिलती है वो हम किस तरह से अच्छा कर सकें, इसलिए हमने हमारे अधिकारियों को और हमारे जो जनप्रतिनिधि महापौर या अध्यक्षों को अन्य प्रदेशों में भी भेजा और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ हमारे जो अधिकारीगण वो भी देशों में भी जो विकसित देश है उसमें किस तरह से काम होता है वो हम लोगों ने देख के अध्ययन किया और उसको जो अच्छा काम है सब जगह का उसको निकाल के हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में उसको प्रारंभ किया, उसका लाभ मिला 2019 में, 2020 में, 2021 में पूरे देश में स्वच्छता में हम पहले नंबर पे आए, राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रदेश को पहले नंबर का पुरस्कार दिया, इस साल भी हम पूरे देश में दूसरे नंबर में आए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया इस साल, लेकिन उनका भी अंक 11 अंक था और हमारा भी 11 अंक था, दोनों के 11-11 अंक थे, अगर कोई निर्णय लेना था तो अन्य मापदंडों को ध्यान में रख कर लेना था क्योंकि हम अन्य मामलों में मध्य प्रदेश से ज्यादा बेहतर है। ODA प्लस प्लस में पूरे देश में हम पहले नंबर में है, प्रधानमंत्री आवास में जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का पुरस्कार प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है पहले नंबर का, उसके अलावा स्टार रेटिंग है 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, इसमें हमारा प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे शहर है लेकिन उनको स्टार रैंकिंग में वो हमारे प्रदेश से पीछे है, लेकिन इस तरह की जो केंद्र की सरकार अब कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव भी करना शुरू कर दिया है, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका जो राशि आना चाहिए वो देना बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बेहतर काम करके दिखाया है, आने वाले समय में हम और बेहतर काम करके दिखाएंगे, केंद्र हमको सहयोग करे या ना करे हमारी प्रतिबद्धता, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति है, छत्तीसगढ़ के शहरों के प्रति है और छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों के जो जनता ने हमारी कांग्रेस सरकार पर विश्वास किया है उस विश्वास के अनुरूप हम बेहतर काम करके उनको दिखाएंगे। जी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही राम अवतार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।